नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर वासियों की सबसे बड़ी पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शासन ने बड़ी सौगात के रूप में 158 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के पूर्व में स्वीकृत 90 करोड़ की जगह जनता की समस्या को लेकर तैयार कराए गए 158 करोड़ के नए प्रस्ताव को शासन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन रीवा वासियों को मिली सौगात के बाद अब श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है। शासन द्वारा मिली हरी झंडी पर एक ओर जहां इसे कांग्रेस की ओर से महापौर अजय मिश्रा बाबा व एमआईएम सदस्य इसे अपने प्रयासों का नतीजा बता रहे हैं, तो वहीं समाचार पत्रों में स्थानीय भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल को श्रेय दिया गया है। बहरहाल इसका श्रेय किसे जाता है यह तो वही जाने, लेकिन माना जा रहा है कि रीवा में निर्मित पेयजल समस्या से लोगों को अब निजात मिल जाएगी। दरअसल पूर्व में स्वीकृत 90 करोड़ की जगह जनता की समस्या को लेकर तैयार कराए गए 158 करोड़ के पेयजल प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। शासन ने अमृत टूब योजना के तहत निगम को 158 करोड़ रुपए की राशि दी है। इससे पेयजल सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ पेयजल व्यवस्था अब और दुरुस्त होगी। महापौर अजय मिश्रा बाबा के मुताबिक उनकी एमआईसी द्वारा जनता की समस्या को दूर करने उक्त प्रस्ताव तैयार कर इसे एमआईसी से स्वीकृत के बाद शासन को भेजा गया था, जिसके बाद उक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया और नगर निगम को 158 करोड़ रुपए की स्वीकृत पेयजल व्यवस्था के लिए दी गई है। बताया गया है कि बीते दिवस प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इसको लेकर चर्चा की थी व जनता की समस्याओं से अवगत कराया था। बता दें कि अमृत योजना फेज 2 के तहत स्वीकृत की गई इस राशि से नगर निगम क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन को बदला जाएगा। इसके अलावा नई पाइपलाइन डालने का काम, नए फिल्टर प्लांट, टंकियां, इंटीकेबल, एनीकट इत्यादि बनाए जाएंगे। इसके लिए निगम ने पूर्व से ही योजना तैयार कर रखी है और इस पर अमल करना बाकी है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा का। 0.2 के अंतर्गत रीवा शहर को 158 करोड़ रुपए मिले। महापौर का चुनाव जैसे ही हम लोग जीते, वैसे पहली ही एमआईसी की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया था कि जो भी हमारे संकल्प पत्र में है उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारा एक ही मुद्दा था कि रीवा शहर के लोगों को शुद्ध साफ पीने का पानी पिलाएंगे, स्वच्छ जल पिलाएंगे, क्योंकि रीवा के पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, वो रीवा की जनता को 15 सालों से मीठा पानी के नाम पे छलते आए। 200 करोड़ रुपए से ऊपर इन्होंने पानी के नाम पे खर्चा किया और रीवा के लोगों को आज भी दूषित, काला, मैला और मलयुक्त पीने को पानी मिल रहा। हर मोहल्लों से ये बातें उभर के आ रही हैं। इसके देखते हुए हम लोगों ने एक DPR तैयार कराया था 199 करोड़ का, MIC से पास करके हम लोगों ने शासन को भेजा। अमृत 0.2 में हम लोगों को 90 करोड़ का पैसे का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कैटेगरीज बाई शहरों को बांटा है, अंशदान देना पड़ता है। उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 20% या 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी 10% से 20% नगर निगमों को देना पड़ता है। तो ये कैटेगरीज वाइज ये वर्णीकृत किया गया था कि इतना इतना पैसा हम आपको देंगे, तो इसमें हमारा भी अंशदान शामिल है नगर निगम का, और हमारे MIC मेंबर, हमारे पार्षद साथी जितने हैं, ये सब लोगों की एक ही मंशा थी कि अच्छा से अच्छा काम शहर में हो, सुव्यवस्थित हो और लोगों को पीने का, शुद्ध पीने का पानी मिले। हम लोगों ने तो संकल्प लिया था कि अगर हम रीवा शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते हैं तो फिर दे क्या सकते हैं। 15 साल रीवा में राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उसके बाद रीवा में आज भी पानी की त्राह त्राह मची हुई है। हमारे यहाँ आप सोचिए कि बड़े बड़े फिल्टर प्लांट हैं, 55 MLD सुपर का फिल्टर प्लांट बना हुआ है, इसके बाद हम पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं 2 टाइम। तो ये जो अमृत 0.2 का पैसा है,
ये पैसे में ये कटौती कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने और केंद्र गवर्नमेंट ने, जो स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी थी उसने कटौती कर दिया था। इसके बाद मैं वहाँ स्वयं गया और प्रमुख सचिव से और नगरीय प्रशासन के आयुक्त से दो दो बार मुलाकात किया। हमने उनसे कहा कि आप इसको 199 करोड़ से कम ना करिए। बड़े दबाव के बाद जब वो बोले कि नहीं ये इतना हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि रेवेन्यू आपका कम है, हम कहे वो आप उसकी बात मत करिए रेवेन्यू की, हमारा शहर बड़ा है, हमारे यहाँ आबादी 3.5 लाख से ऊपर की है और वोटर अलग हैं और हम रेवेन्यू जनरेशन में लगे हुए हैं, नई नई चीज़ें हमारे यहाँ लगातार बन रही हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपका हम 130 करोड़ करे दे रहे हैं। हमने उनसे ये अनुरोध किया कि आप 130 नहीं 160 से कम मत करिए। तो 158 करोड़ रुपया रीवा नगर निगम को पीने के पानी के लिए मिला है। मैं रीवा नगर वासियों से अनुरोध कर रहा हूं और मैंने पूर्व में भी कहा है कि साल भर के अंदर आपको पानी दे देंगे। SLTC से हो गया है, अब निविदाएँ होंगी, 1 महीने के अंदर निविदा हो जाएगी, दिसंबर के अंदर, जनवरी फर्स्ट वीक से हमारा टेंडर की प्रक्रिया समाप्त होकर वर्क ऑर्डर हो जाएगा और उसी समय नए साल से काम चालू हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें 14 टंकियां थी, उसमें 600 किलोमीटर पीने का पानी बिछाने का पाइपलाइन का था, 60 किलोमीटर राइजिन में जो टंकी भरती है और सबसे प्रमुख जो हम लोगों ने उसको लिया था वो 60 किलोमीटर गंदा पानी जो शहर में आता उसकी पाइपलाइनों को चेंज करने के लिए लिया था। 2 फिल्टर प्लांट हैं, एक मैदानी में बनना है और एक आपके यहाँ बनना है, एक मैदानी में और एक यहाँ पर बीहर वाले में बनना है, 2 फिल्टर प्लांट हैं। इस तरह करके पूरे शहर को हम लोगों ने बांधा है कि जो नगर निगम में आज की डेट में 45 वार्ड है, वो ग्रामीण अंचल में भी हों किसी में भी हों, वो सारे वार्डों को अपन ने शामिल कर लिया है। और अब मैं अपने MIC मेंबरों को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने एक भी मिनट समय गंवाए हुए इसको तत्काल किया, और धन्यवाद देता हूं मैं रीवा शहर के समस्त नागरिकों को कि जिन्होंने एक जमीनी आदमी को अपना महापौर बनाया और वो महापौर उनके लिए काम कर रहा है। तो मैं आप सबसे को इस अमृत 2 में जो पैसा 158 करोड़ रुपए आया है इसके लिए पुनः बधाई देता हूं और जल्द काम चालू हो जाएगा। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलवाता हूं कि रीवा नगर निगम में कोई भी कार्य अब नहीं रुकेंगे। कोई भी नेतागिरी कोई कितना भी करता रहे, कोई भी छोटी से छोटी ओछी हरकत करता रहे, पर विकास कार्य वार्डों के वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि MIC 5 करोड़ तक का स्वयं पावर रखती है एक निविदा के लिए। तो ये जो पैसा केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और नगर निगम मिल के आया है, मैं सभी लोगों को जिन जिन लोगों का इसमें सहयोग है सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ।